बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी बखूबी मैनेज किया। बात ऐश्वर्या की करें तो इस मामले में वे सबसे आगे रहीं। उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी को यूं संभाला कि आज बच्चन फैमिली भी उन्हें बेस्ट बहू का दर्जा देती है। ससुर अमिताभ बच्चन के साथ ऐश्वर्या की बॉन्डिंग तो किसी से नहीं छुपी है। भले ही जया बच्चन के साथ उनकी छोटी मोटी अनबन रही, लेकिन ससुर अमिताभ और ऐश्वर्या के बीच हमेशा पटरी खाती है। मगर एक बार अमिताभ भी ऐश्वर्या पर इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने कह दिया था कि बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। आखिर अमिताभ ने ऐसा क्यों कहा, वो भी सबके सामने, चलिए जानते हैं। बात स्टारडस्ट अवार्ड्स के दौरान की है, जहां ऐश्वर्या राय अपने ससुर अमिताभ बच्चन संग पहुंची थी। इस इवेंट में जहां ऐश्वर्या को अपनी कमबैक फिल्म जज्बा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, तो वहीं अमिताभ को फिल्म पा में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया था। जीत के बाद अपनी खुशी को जाहिर करते हुए ऐश्वर्या ने मीडिया को कहा, अमिताभ बेस्ट पा है, उनके जैसा कोई नहीं है। इस दौरान ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन को बार बार गले लगा रही थी, जिसके बाद अमिताभ को गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐश्वर्या को रोकते हुए कहा, आराध्या की तरह बर्ताव करना बंद करो। बिग बी को ना केवल सरेआम ऐश्वर्या का मस्ती भरे ढंग से उन्हें हक करना गलत लगा, बल्कि वे इस दौरान थोड़े असहज भी नजर आए। अमिताभ का ऐश्वर्या के प्रति ऐसा बर्ताव देख लोग भी काफी शॉक थे। ऐश्वर्या के व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन घर की बहू का इतना फ्रैंक रवैया आज भी समाज में गलत माना जाता है। हालांकि ऐश्वर्या उनकी लाडली बहू है, ऐसा हमारा नहीं बल्कि जया बच्चन का कहना है, जिसका खुलासा करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे ऐश्वर्या के घर लौटने पर अमिताभ का चेहरा चहक उठता है। जी हाँ, जब भी ऐश्वर्या को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा तो अमिताभ ने उन्हें सपोर्ट किया, एक ससुर नहीं पिता की तरह। वैसे ही ऐश्वर्या अमिताभ को अपने पिता की तरह ही मानती हैं और उनकी केयर करती हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।